दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब पूरी दुनिया में एक अजीब सा वायरस फैलने की वजह से सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो सर्वाइव कर पा रहे थे, और इन्हीं में से एक परिवार था जिसमें सिर्फ लड़कियां ही रहती थी। लेकिन इस परिवार की जिंदगी तब बदल जाती है जब इनमें से एक लड़की एक अजनबी को अपने घर ले आती है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें कयामत के बाद की दुनिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें रेगिस्तान के बीच में बने एक ग्लास हाउस को दिखाया जाता है और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ अभी तक हरियाली बची है। इसके बाद हमें एक आदमी को इस ग्लास हाउस के पास आते हुए दिखाया जाता है जिसे जल्दी ही कोई गोली मार देता है। इसके बाद हम उस ग्लास हाउस के अंदर रहने वाले परिवार को देखते हैं जिनमें तीन बहनें रहती थी जिनका नाम अंडी मंडी संडी था। वो उस आदमी के शरीर को अंदर ले आती हैं जिसके बाद वो उसके शरीर के सारे अंजर बंजर निकालकर बाकी के बचे सामान को अपने गार्डन में दफना देती हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर उनके चूते भाई पप्पू पथरी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा सोच रहा होता है कि भेड़ मेरा दोस्त जोगिंदर जहरीला सही कहता था कि अभी भी वक्त है रशियन को बचा ले, नहीं तो अगर दुनिया खत्म हो गई तो कोई नहीं बचेगा। काश मैंने उस वक्त उसकी बात मान ली होती। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पप्पू पथरी बाहर की जहरीली हवा से संक्रमित हो चुका है जिस वजह से उसने अपनी कुछ यादों को खो दिया है। इसके बाद ये दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास आते हैं और उन्हें उस आदमी के बारे में बताते हैं जिसको उन्होंने मारकर गाड़ दिया था। इस पर उनकी माँ उन्हें कहती है कि इनका राजू नाम का एक और भाई था जो कि कई सालों पहले घर छोड़कर भाग गया था। अभी यहाँ पर ये सभी घर वाले मिलकर कुछ अजीब सा रिचुअल करते हैं जो कि इनकी यादों को ताजा रखने में इनकी मदद करता है। अब अगले दिन अंडी जंगल में पहरा दे रही होती है तभी उसकी नजर एक और अजनबी पर पड़ती है जो कि उसके पास ही आ रहा था, और बेहोश होने से पहले वो अपना मास्क उतार देता है। अभी यहाँ पर अंडी उसे मारने की बजाय उसे ग्लास हाउस के अंदर ले जाने का फैसला करती है। फिर जब ये सब उसकी माँ को पता चलता है तो वो काफी गुस्सा होती है और उन्हें कहती है कि जल्दी से उस बिल्ली वाले को मारकर फेंक दो। लेकिन अब अंडी चाहती थी कि वो आदमी उनके साथ ही रहे क्योंकि अब इनको भी कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी तड़पती बिल्ली को शांत कर सके। अब क्योंकि उनकी माँ को भी मजदूरी करे काफी साल हो चुके थे और उसका कुआं भी सूख चुका था, इसलिए वो अपने कुएं को भी गीला करवाने के लिए उस आदमी को यहाँ पर रोकने के लिए मान जाती है। इसके बाद इनकी माँ इन्हें बताती है कि घायल आदमी के पैरों पर टांके कैसे लगाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात में पप्पू पथरी की माँ उसे बिस्तर से बांध दिया करती थी क्योंकि उसे रात को मजदूरी वाले सपने आते थे। लेकिन जब अगली सुबह पप्पू पथरी की आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि रात को उसकी पिचकारी ने सारा पानी उसकी पैंट में ही छोड़ दिया। अब क्योंकि पप्पू पथरी का ये काम रोज का बन चुका था इसलिए उसकी गीली चादरें साफ करते करते उसकी बहनें काफी परेशान हो चुकी थी। फिर अगली सुबह वो तीनों उस आदमी की पट्टियां बदलती हैं। जिस दौरान जब मंडी पानी लेने के लिए जाती है तो अंडी उस आदमी को घूरने लगती है क्योंकि उसने पहली बार इतने बड़े हथियार वाले किसी आदमी को देखा था। कुछ देर बाद उस आदमी को भी होश आ जाता है और वो उनसे पानी मांगता है। तभी अंडी उसे पानी देती है और उसे कोई भी चालाकी न करने को कहती है। वहीं जब माँ को पता चलता है कि वो आदमी जाग गया है तो वो उसके पास पूछताछ करने आती है। अब यहाँ पर उस आदमी को अपना नाम तो याद नहीं होता लेकिन वो कहता है कि मैं शहर से आया हूँ। वो बताता है कि बाहर सब कुछ तबाह हो चुका है और ज्यादातर लोग अपनी याददाश्त खोकर पागल हो चुके हैं। अब पप्पू पथरी भी उस आदमी के आने से खुश नहीं था लेकिन अंडी उसे यकीन दिलाती है कि वो आदमी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। फिर अगले दिन माँ संडी से कहती है कि तुमने दो दिन पहले जिस आदमी को दफनाया था उसे बाहर निकालो और उसके शरीर को वार्निंग के रूप में घर के बाहर लटका दो। अब उनकी ये बातें सुनकर उस अजनबी की फटकर 464 हो जाती है कि कहीं भेड़ ये उसे भी काटकर लटका ना दे। खैर अगले सीन में संडी उस आदमी की बॉडी को चेतावनी के रूप में अपने घर के बाहर लटका देती है। इसके बाद अंडी उस आदमी से मिलने के लिए आती है और उसे वहाँ पर उगने वाले कई तरह के फल और सब्जियाँ दिखाती है क्योंकि यहाँ पर अंडी इस आदमी को पटाना चाहती थी। इसी दौरान जब वहाँ पर संडी आती है तो अंडी उसे वापस भेज देती है क्योंकि सबसे पहले वो अपना खाता खुलवाना चाहती थी। इसके बाद अंडी अपनी बहन को समझाती है कि देख बहन, उस आदमी पर इतना भरोसा मत कर क्योंकि अक्सर भरोसे वाले ही भोसड़े वाले निकलते हैं और ये तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अंडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। फिर अगले दिन हम संडी को देखते हैं जो उस आदमी से पूछती है कि तुम मुझे बताओगे कि घोड़ा कैसा दिखता है। तभी वो आदमी उसे कहता है कि रुक, मैं अभी तुझे पैंट खोलकर अपना काला घोड़ा दिखाता हूँ। लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे चाकू लाकर दो, मैं तुम्हें लकड़ी का एक घोड़ा बनाकर दिखा दूंगा। तभी उसकी बात मानकर संडी बगीचे में जाकर अपनी बहनों से छुपते छुपाते एक चाकू उठा लाती है। फिर जब वो आदमी लकड़ी का घोड़ा बना रहा था तभी उसे पप्पू पथरी भी देख रहा था। इसके बाद वो आदमी पप्पू पथरी को सिखाता है कि घोड़े के टुकड़ों को कैसे जोड़ना है, जिस पर पप्पू पथरी भी वैसा ही करता है। लेकिन फिर वो ऐसा कर नहीं पाता तो वो गुस्से में वहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और कहता है कि भैंसुद मुझसे नहीं होता ये सब बकवादी, मुझे तो बस बजाने के लिए एक रशियन दे दो। तभी अपने भाई का पागलपन देखकर अंडी उस आदमी को खोल देती है ताकि वो उसके भाई को कंट्रोल कर सके। तभी ये सब देखकर उसकी माँ को भी यकीन हो जाता है कि ये अजनबी उनके लिए खतरा नहीं है
और इसलिए अब वो उसे भी अपने परिवार में आजादी से रहने देने का फैसला करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो आदमी अंडी से मिलने उसके कमरे में जाता है। यहाँ पर अंडी उसे राजू कहकर बुलाती है। इस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं राजू नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुमको अपनी बहन नहीं मानता और न ही मैं तुम्हारे लिए ऐसा महसूस करता हूँ। फिर अगले दिन अंडी उस आदमी को ब्रश लाने के लिए कहती है। इसके बाद जब वो ब्रश लेने जाता है तो वो वहाँ पर संडी को देखता है, जिसके हाथ में एक मेमोरी बॉक्स था। अब संडी यहाँ पर उस आदमी से काफी नाराज थी, क्योंकि उसने उसकी दोनों बहनों के साथ तो काफी समय बिता लिया था, लेकिन उस पर वो अभी तक थूका भी नहीं था। फिर अगले सीन में उनकी माँ उस अजनबी से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि आदमी इतने शरीफ कभी नहीं होते, क्योंकि वो बहन के लोग हमसे कुछ ना कुछ चाहते ही हैं, और मुझे लगता है कि तुम भी हमसे कुछ ना कुछ चाहते हो। शायद तुम अंडी के साथ मजदूरी करके उसे प्रेग्नेंट करना चाहते हो। वो उसे कहती है कि तुम उसे बजा तो सकते हो, पर ये याद रखना कि अगर तुमने उसे बजाया तो तुम्हें मुझे भी बजाना पड़ेगा। फिर अगले दिन हम मंडी को देखते हैं, जो कि गार्डन में उस आदमी और अपनी बहन अंडी को दबा दबा कर मजदूरी करते हुए देखती है। अब उन्हें ऐसा करते हुए देख उसकी बिल्ली भी गीली होने लगती है, और तभी उसे कुछ याद आता है। वो याद करती है कि उसने अंडी को अपने भाई राजू के साथ भी धुआंधार मजदूरी करते हुए देखा था, और यहीं से हमें पता चलता है कि अंडी उस आदमी का नाम राजू ही क्यों रखना चाहती थी। तभी मजदूरी करते समय जब उस आदमी की नजर मंडी पर पड़ती है तो वो वहां से भाग जाती है। फिर बाद में वो आदमी मंडी के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मंडी उसे धमकाने लगती है कि के मैं तेरी सारी चालें समझ रही हूँ, पर ये याद रखना कि तू मुझे कभी नहीं बजा सकता। मंडी उसे बताती है कि अंडी पहले से ही दिमाग से पैदल है, इसलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके खेत में कौन मजदूरी कर रहा है। फिर ये कहकर जब मंडी वहां से चली जाती है तो उस आदमी को वहां पर मंडी का वो बॉक्स मिलता है, जिसमें उसे उसका एक नेकलेस भी मिलता है। अब ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो उसका नेकलेस चुरा लेता है और सभी से कहता है कि उसे ये नेकलेस उसकी माँ ने बचपन में दिया था। अब उसकी ये हरकतें देखकर संडी भी समझ जाती है कि ये लोग जिसे भरोसे वाला समझ रहे हैं वो साला भोली वाला है। वो सभी से कहती है कि ये आदमी गद्दार है, लेकिन तभी अंडी उस आदमी का बचाव करते हुए कहती है कि मंडी तो इस आदमी से हमेशा जलती रहती है, क्योंकि वो उसकी लेना जो नहीं चाहता। अब ये सुनकर उसकी माँ अंडी पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम सभी बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे तुम पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन जब से तुमने अपने भाई राजू से ही अपनी पिंकी पिटवाई है तब से तुमने हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, वो आदमी उनका और भरोसा जीतने के लिए उनकी माँ से उसको और काम देने को कहता है, लेकिन इस पर माँ उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम वैसे भी यहाँ पर कुछ ही दिनों के मेहमान हो। इसके बाद माँ अंडी से कहती है कि तुम्हें हमें या उस अजनबी में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं वो अब ज्यादा लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं बना सकते। अभी सुनकर अंडी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उस आदमी को भी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इसके बाद हम पप्पू पथरी को देखते हैं, जो कि मंडी के बिस्तर पर चढ़कर उसके साथ मजदूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मंडी उसे रोक देती है, क्योंकि अभी उसका ये सब करने का मूड नहीं था। फिर जब इसके बारे में उस अजनबी को पता चलता है तो वो मंडी से कहता है कि तुम्हें अपने चूतिया भाई की देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भी अपनी ठरक मिटाने का पूरा अधिकार है। फिर अगले दिन वो आदमी उनकी माँ से मिलने जाता है और उसे कहता है कि पप्पू पथरी चूतिया होता जा रहा है, कल ही उसने अपनी बहन को रगड़ने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें मेरी जगह उसे बाहर भेजना चाहिए। लेकिन उसकी माँ अपने बेटे पर उस अजनबी से ज्यादा भरोसा करती थी, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो अजनबी फिर से उनकी माँ से मिलने आता है। उनकी माँ को लगता है कि शायद वो अपना हथियार पीछे से डालेगा, लेकिन तभी वो आदमी उसकी माँ को पकड़ लेता है और उसका गला घोटकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो आदमी उसकी बॉडी को पप्पू पथरी के पास जाकर रख देता है, ताकि लोगों को ये लगे कि उसे पप्पू पथरी ने मारा है। लेकिन ये सब देखकर पप्पू पथरी डर जाता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी उनकी आवाज सुनकर सभी बहनें वहां पर पहुंच जाती हैं और ये जानकर रोने लगती है कि उनकी माँ मर चुकी है। फिर जब सभी लड़कियां अपनी माँ का फ्यूनरल कर रही होती हैं, तो इसी दौरान वो आदमी पप्पू पथरी को बांध देता है, जिसके बाद वो घर की खिड़कियां खोल देता है ताकि पप्पू पथरी अपनी सारी याददाश्त भूल जाए। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये याद रखने बिल्कुल नहीं दे सकता कि उस बुढ़िया को मैंने मारा है। फिर वो अजनबी उसे यहाँ पर ये भी बताता है कि मुझ पर इस वायरस का कोई असर नहीं होता, इसलिए मैं अपनी याददाश्त नहीं भूल सकता। वहीं दूसरी तरफ अंडी उस बॉक्स को देखने लगती है और उसे ये देखकर वो टाइम याद आता है जब वो जंगल में पहरा दे रही थी। फिर जब उसने देखा कि एक आदमी उसके पास आ रहा है, तब उसने उसे मार दिया था। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखती है तो वो काफी डर जाती है, क्योंकि वो आदमी उसका भाई राजू था। अब अपने भाई को मारने के दुख में अंडी इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि उसने अपने मास्क को ही उतार दिया था, जिससे उसकी सारी यादें मिट गई थी। फिर जब अंडी इस बारे में मंडी को बताती है तो मंडी उसे कहती है कि उसे इस बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसने ये राज राज ही रखा।
अभी सुनकर अंडी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो अपनी इस बुरी याद को भुलाने के लिए बाहर जाना चाहती थी। वहीं मंडी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अंडी उसकी एक नहीं सुनती। तभी वो अजनबी भी वहां पर आ जाता है और मंडी से अंडी को बाहर जाने देने के लिए कहने लगता है। इसके बाद उन दोनों को ये भी पता चलता है कि पप्पू पथरी अपनी सारी याददाश्त खो चुका है। इसके बाद जब अंडी बाहर जाकर अंदर आती है तो वो काफी खुश लग रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उधर मंडी यहाँ पर दुखी थी क्योंकि ये जगह धीरे धीरे उनकी याददाश्त को भुला देगी और सिर्फ वही यहाँ पर अकेली बचेगी जिसे सब कुछ याद रहेगा। लेकिन तभी वो आदमी उसे सहारा देते हुए कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह सब याद रहेगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को चूसने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मंडी अब अपनी माँ की जगह ले लेती है और इस घर की मुखिया बन जाती है। जिसके बाद वो अजनबी राजू बन जाता है और अंडी अब मंडी बन जाती है। वहीं संडी मंडी की बेटी बन जाती है और पप्पू पथरी उन सभी का भाई बन जाता है। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, अंडी भी अब राजू की तरह बिना मास्क पहने ही बाहर घूमने लग जाती है। फिर एक दिन पप्पू पथरी अचानक से ही जमीन खोदता है और उसे वहां पर अंडी और संडी के नेकलेस के साथ दो कंकाल मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि माँ ने यहाँ पर पहले रहने वाले लोगों के नाम और नेकलेस को संभाल कर रखा था, जिसके बाद उसने नए लोगों को उनकी पहचान दे दी। वहीं वो आदमी भी चुपके से पप्पू पथरी को देख रहा होता है। फिर जब वो वहाँ पर देखता है कि एक आदमी उनके पास आ रहा है तो वो अपनी बंदूक उस पर तान देता है, लेकिन तभी वो अपना मन बदल लेता है और उस बंदूक को पप्पू पथरी पर तान देता है। क्योंकि अब पप्पू पथरी का दिमाग सड़ चुका था, इसलिए अब वो उसे मारकर इस नए आदमी को पप्पू पथरी बनाना चाहता था। दरअसल दोस्तों, उस फैमिली का ये कॉन्सेप्ट था कि जो भी यहाँ पर अपनी याददाश्त को भुला देगा उसे मारकर किसी नए इंसान को उसकी पहचान दे दी जाएगी। इसलिए ये जो फैमिली थी वो भी कोई असली फैमिली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अलग अलग थे और उन्हें भी पुराने लोगों की पहचान दी गई थी। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।